अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट। देखिए तीसरा है क्वेश्चन 4x प्लस 3y बराबर 14, फिर है 3x माइनस 4y बराबर 23। देखो इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ईजी है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसेप्ट आपको समझा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसके नीचे 1 लेंगे, 1 लेकर x और 1 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे देखिए, x और 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 और x का एलसीएम होता है 1x। क्या होता है 1x, आप चाहे तो केवल x भी लिख सकते हैं, लेकिन 1x लेकर हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझा सकते हैं, इसलिए हम 1 ले रहे हैं। तो कितना लेंगे एलसीएम, 1x, तो इसका लिख ले लेंगे एलसीएम 1x। समझ में आ गया, x और 1 का एलसीएम होता है 1x। अब क्या करेंगे, ये जो 1x एलसीएम है इसको किससे भागा देंगे, x से, तो x से भागा देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 1 जो बचा 1 को गुना करा दीजिए 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, नहीं। अब देखिए फिर 1x को जो एलसीएम मिला था हमको, उसको किससे भागा देंगे 1 से, तो 1 से भागा दीजिएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, बचेगा क्या x। अब x जो बचा इसको किससे गुना करा देंगे, 3y से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, गुना कराएंगे तो 3x और y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x और y हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे पहले 14। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसके नीचे 1 ले लेंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो 1 से गुना कराएंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर 1 से गुना कराएंगे 3xy में, तो हो जाएगा 3xy, और बराबर है तो बराबर लिखिए, और फिर 14 से गुना करा दीजिए 1 में, तो 14 एकम 14, और साथ में लिखा जाएगा x। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसमें भी देखिए, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी 1 ले लेंगे और साथ में 1 और x का एलसीएम लेंगे, तो 1 और x का एलसीएम कितना होता है 1x, अभी बताए हैं ना यहाँ। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें भी x से भागा दीजिए तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 1, और ये 1 से गुना करा दीजिए 3 में, तो हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एलसीएम कितना मिला था 1x, और यहाँ पे कितना मिलेगा 3। समझ में आ गया, x और 1 का एलसीएम 1x, समझ में आ गया। अब यही 1x के किससे भागा देंगे x से, तो x x कैंसिल, बचेगा केवल 1, तो 1 से गुना करा देंगे 3 में, तो बचेगा 3, और माइनस यहाँ है तो माइनस। फिर 1x को किससे भागा दीजिएगा 1 से, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या x, और x को गुना करा दीजिए यहाँ पे 4y से, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 4xy, यहाँ पे हो जाएगा 4xy, और यहाँ पे हो बच गया ये 23। अब इसके नीचे 1 ले लेंगे और साथ में करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3 माइनस 4 एकम 4, और साथ में लिखेंगे xy, और बराबर यहाँ से 23 गुने 1, तो हो जाएगा 23, और साथ में x है तो x। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को एक जगह लाएंगे। देखिए अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को, यहाँ पे 1 है 4 प्लस 3xy बराबर 14x, ये है समीकरण 1, और समीकरण 2 है 3 माइनस 4xy बराबर यहाँ पे है 23x, ये है समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, तो इसमें आप किसी को बराबर कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो हम इसमें बराबर करते हैं यहाँ पे 4 और 3 को, तो देखिए 3 को तो 4 बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसमें गुना करा देंगे 3 से, और इसमें गुना करा देंगे 4 से, तो आप चाहे तो किसी को बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसको बराबर किए हैं, इसको, ये दोनों संख्या को बराबर किए हैं, 3 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस,
फिर ये तीन से गुना कराइए तीन में, तो तीन ती आई नौ एक्स और वाई बराबर 14 को गुना करा दीजिए तीन से, तो कितना हो जाएगा 42 एक्स। फिर देखिए चार को गुना करा देंगे तीन में, तो चार ती आई 12, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे, फिर चार को गुना करा देंगे चार में तो हो जाएगा 16 एक्स वाई फिर बराबर, फिर 23 को गुना करा दीजिए चार से, तो 23 गुने चार कराइएगा तो आपका आएगा 92, कितना आएगा 92 और साथ में लिखेंगे x, x है तो x। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस माइनस चेंज करेंगे, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो प्लस में माइनस में लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना इसलिए माइनस में लिखेंगे, अब यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस में, और यहाँ देखिए प्लस में है तो क्या लिखेंगे माइनस में, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है प्लस और यहाँ भी है प्लस तो जुटेगा, तो ये हो जाएगा कितना 25 एक्स और वाई होगा। फिर बराबर देखिए ये घटा दीजिए 92 में से 42 क्रस, तो बच जाएगा केवल माइनस 50 और एक्स बचेगा, यहाँ घटाने में कोई दिक्कत नहीं ना है, देखिए 92 है 12 इसलिए इसका चिन्ह लिखा लिख दिए माइनस। अब देखिए एक यहाँ पे क्या कटेगा एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे केवल 25 वाई और इधर बच जाएगा केवल माइनस का 50। अब y बराबर माइनस 50 और ये चला जाएगा इसके नीचे हो जाएगा 25, 50/25 अब यहाँ से काट देंगे तो 25 दूना 50 यानी y का मान कितना आ गया 2, y का मान 2 आ गया। अब ये जो y का जो मान है यहाँ लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे समीकरण एक में रखने पर, y का मान किस में रखेंगे तो समीकरण एक में, तो आपका देखिए एक कहाँ है तो देखिए एक आपका ये ही ना है, एक कितना है 4 + 3xy = 14x, तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 + 3xy = 14x, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समीकरण वन है तो समीकरण हम वन ही लिखे हैं, यही वाला हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 + 4 + 3 + 3 और यहाँ एक्स है तो एक्स, और यहाँ देखिए वाई की जगह पर -2 लिखेंगे और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए यह 4 का 4, अब यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो हो जाएगा माइनस, अब ये देखिए इससे गुना करा दीजिए तो 3 × 6 और साथ में एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 14x। अब देखिए क्या करेंगे तो यहाँ पे 4 का 4 लिखिए बराबर यहाँ हो जाएगा 14x, अब ई वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 6x, ये 4 का 4 14 6 कितना होता है 20 और साथ में लिख देंगे x। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे देखिए यहीं पे देखिए ना यहाँ पे 4 का 4 और ये 20 इसके नीचे चला जाएगा 20 यानी 4/20 बराबर हो जाएगा केवल x। अब इसको काट देंगे काटेंगे तो 1/ कितना मिलेगा 4 × 5 = 20 यानी 5 मिलेगा और बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा x, तो x का मान आपका कितना आया 1/5 और y का मान कितना आया -2। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।